गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सबके सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया, थोड़ा जल्दी मतलब इट्स 7:30 और हम उठ गए हैं। और रात में सोचे 3 बजे इतनी देर तक बातें करिए, रील बनाई, सब बहुत मज़े किए और उठ गए क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा निकलना है। कल पायल दीदी और आलो बुआ और छोटेली बुआ रुक गए थे तो उन लोग को अभी धीरे धीरे निकलना होगा, इसलिए उठ गए हैं। पर हुआ क्या पता, आलू को लेट होगी कॉलेज के लिए तो हो गया नहीं। और चलते हैं अंदर, थोड़ा बहुत पानी पीते क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी। कल पता है इतनी भाग दौड़ में पानी पिया नहीं तो इससे बहुत थर्स्टी फील हो रहा है, तो पानी पीते अच्छे से एंड फिर चाय पीते हैं। सो दोस्तों, चाय नाश्ता रख दिया गया है और आज सबकी फरमाइश पे जीरा और तोस आया है। पहले मेरे यहाँ ना ये नाश्ता बहुत होता था पर अब ना अब ये सब थोड़ा बाहर वाला नहीं होता है, मतलब घर पे ही कुछ बना लो, पोहा चीला सब लोग। पर अभी सब लोग थे तो फिर यही मंगाया और बैठे हैं, सब लोग बातें कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, यही सब चल रही हैं बातें हम लोगों की। तो सब लोग बैठे सुबह सुबह, बुआ दीदी नैन्सी चुलबुली आलोक सब लोग मतलब बैठे हुए साथ में चाय पी रहे हैं, बस बातें कर रहे हैं। और ये रही कुसुम बुआ जो कि सुबह सुबह तैयार हो गई हैं। तैयार क्यों हुई हैं? घर जाने के लिए। पर अभी आप व्लॉग में आगे देखिएगा कि क्या होता है, या आखिर इतनी सबसे पहले ये तैयार हुई थी तो फिर ये गई क्यों नहीं। दीदी जा रही हैं, सुबह के बाद शाम को मिल रहे हैं और सारे लोग जा चुके हैं घर से वन बाय वन करके। सुबह पायल दीदी चली गई, फिर कंचन बुआ चली गई और फिर शाम को कुसुम बुआ चली गई। सब लोग चले गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं स्कूटी लेने, जो कि कुछ कारणों की वजह से अभी शोरूम से नहीं आ पाई थी क्योंकि RTO नंबर प्लेट नंबर दुनिया भर की रहता है तो इस वजह से नहीं ली थी। दिन में आ गई थी लेकिन 12 बजे करीब आई थी स्कूटी प्रॉपर कंप्लीट हो के शोरूम में। तो ये हुआ कि दिन में नहीं चलते, शाम को चलेंगे मौसम ठंडा हो जाए तब। तो यस, अब हम लोग जा रहे हैं और मैंने सिंपल अपना सूट पहना हुआ, सिंपल ही रेडी हुए, ज़्यादा कुछ आँखों के पास छेड़छाड़ नहीं की और मेरी आईज़ में काफ़ी इम्प्रूव हो गया है और रेडी हैं, चलेंगे ते हैं बाहर। क्योंकि हो सकता है मम्मी को चाय वाय पीना हो या फिर क्योंकि शाम को चार बजे चाय तो बना दी थी लेकिन पता नहीं शायद मन हो उनका, तो चलते हैं बाहर, नैन्सी को रेडी होने देते हैं। सो फ्रेंड, घर के बाहर JCB मशीन लगी हुई है, मिट्टी वगैरह निकाल रही है, हम लोग को निकलना भी है। पर प्रॉब्लम ये कि इतनी ज़्यादा रोड ख़राब है, निकला कैसे जाए, पर जाना भी बहुत ज़रूरी है तो जाएंगे। बाय द वे, मैंने बोला था ना कुसुम बुआ सबसे पहले तैयार हुई थी पर वो सबसे बाद में गई क्योंकि बार बार वो रेडी हो रही थी, जैसे कोई जाने को हो रहा था तो वो भी साथ में रेडी हो ले रही थी। फिर हम लोग बोल रहे हैं अरे बुआ रुक जाओ 2 मिनट, चली जाना तुम तो बाद में चली जाना ना, अब तो आलोक की छुट्टी तो हो ही गई ना, बाद में चली जाना। ऐसे करते करते पता उन्होंने 3 बार कपड़े चेंज किए अपने और तब जाके वो गई हैं, तो वो चली गई। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे नैन्सी की स्कूटी लेने, तो हम लोग बुक करके गए थे तब वो नहीं आई थी, उसको नहीं पता, तो यस वो आई है स्कूटी लेने। तो ये रही नैन्सी की स्कूटी, तो जो कि प्रॉपर पेपर वाइज भी और रेडी कर दी गई है, बस में नंबर प्लेट लगानी है और थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ रह जाती हैं तो वो करनी है। नैन्सी का एक्साइटमेंट लेवल बहुत अप है क्योंकि काफ़ी टाइम से हो रहा था कि यार स्कूटी होनी चाहिए प्रॉपर, घर पे एक स्कूटी ऑलरेडी है पर होता ना कि एक और होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे नैन्सी को की मिल रही है स्कूटी की बड़ी वाली, तो इसका बर्थडे था ना तो इस वजह से उन्होंने बोला था आप बर्थडे के दिन आ जाना, मैं आपको स्कूटी दे के फ़ोटो वगैरह खिंचवाऊँगा शोरूम के उससे। तो हम लोग आ नहीं पाए थे, आज आए हैं तो आज नैन्सी की फ़ोटोज़ खींच रही हैं और मैंने साइड में थोड़ी सी वीडियो बना ली। और ये रही नैन्सी की स्कूटी, उसको डर लग रहा, बार बार कह रही आओ आओ, अब बताओ ड्राइव तुम कर रही हो, हम आके क्या ही करेंगे। तो बस नैन्सी चला लेती है स्कूटी, अब आगे देखिएगा आप कि उसने कैसे चलाई है।
सो फ्रेंड, मन तो था आनंदेश्वर जाने का, पर इस समय है टाइम शाम का बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं। सो फ्रेंड, फाइनली हम लोगों की गाड़ी आ गई है बाहर शोरूम से, बहुत बसें चमचमाते हुई मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया, और आ गए हम लोग मंदिर, शनि देव मंदिर आए हैं, क्योंकि यही मंदिर पास में भी है और हम लोग यहाँ आते भी रहते हैं, तो यहीं आए हैं, गाड़ी की पूजा करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर रुकी हूँ, भैया गए हैं मम्मी और नैन्सी को लेने, तो चलो वेट करते हैं और फिर पूजा करवाते हैं गाड़ी की। और आज है मंडे का दिन, तो वहाँ काफ़ी भीड़ रहेगी, तो इस वजह से वहीं पास में ये है शनिदेव मंदिर, जहाँ हम लोग हमेशा सैटरडे को आते हैं। फिर वहीं आ गए हैं, पंडित जी से बात कर ली है, और क्योंकि अभी गाड़ी की पूजा करानी है ना, तो यस हम लोगों ने फूल माला सब कुछ ले लिया है, तो दर्शन करेंगे और फिर पूजा करवाएंगे गाड़ी की भी। और जब भैया की गाड़ी आई थी ना, तब भी हम लोग ने यही मंदिर पे ही पूजा कराई, मतलब अभी तक का मेरे यहाँ जितने भी साधन हुए हैं, तो चाहे कुछ भी सोच लो, यहाँ मंदिर वहाँ मंदिर, लेकिन दर्शन यही वाले शनिदेव मंदिर के होते हैं, तो कुछ तो लॉजिक है इस मंदिर के साथ हम लोगों का, गॉड नोज। तो यहाँ पे नैन्सी फूल माला ले के तैयार है, और साथ साथ इंस्टाग्राम को भी हैंडल करना है यार, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया उसके पति हमारा रिस्पॉन्सिबल बनता है, तो रील भी बननी चाहिए लगातार। और यहाँ पे चाबी रख के दे दी गई है प्रसाद और फूल के साथ, तो बाबा के चरणों पे रख के आशीर्वाद लेके, और देन हम लोग को मिलेगा, फिर आगे की सारी पूजा वूजा होगी। आपको क्लियर दिख रहे होंगे भगवान यहाँ से, और वैसे मैंने जूम करके भी लिया है, तो आपको आगे भी दिख जाएंगे। तो जो माला ना हम लोग ने चढ़ाई है वो भगवान जी को चढ़ जाएगी, और जो उनकी माला है तो आशीर्वाद की उससे हम लोगों को मिल जाएगा, तो वो गाड़ी पर लगेगा। तो चलो आप भी दर्शन कर लो अच्छे से, बहुत सच्चा मंदिर है और बहुत ही अच्छा है, तो बोलो जय शनिदेव महाराज की। और यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं पूजा करने गाड़ी की, तो चलो हाथ जोड़ के सब लोग पूजा करते हैं गाड़ी की। फिर पंडित जी ने बोला कि सब लोग टीका लगा लो, तो यहाँ मम्मी सबको टीका लगा रही हैं, नैन्सी को, हमें, भैया को, तो फाइनली हमारी गाड़ी की पूजा भी हो गई है। और यह बताइए आपको कैसी लग रही है, कलर कैसा लग रहा है, ना इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का है, काफ़ी शाइनी वाला है, तो क्लोज से अपनी रियल आई से बहुत प्यारा कलर हम लोग को लगा था, आप भी बताइए कैसा है। और फिर मम्मी की फ़ोटो खींच रहे हैं कि मम्मी आप यहाँ खड़े हो, आपकी फ़ोटो खींचते हैं, तो यस मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग आ गए हैं ये एक्सेसरीज़ वाली शॉप पे, तो यहाँ पे गाड़ी में जो और एक्सेसरीज़ लगती हैं, जो फुट पैडल होता है, बास्केट होती है, साइड कवरेज होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्कूटी लेने के बाद अलग से भी आपको एक्सेसराइज़ करानी पड़ती है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे बढ़िया न्यू गाड़ी हम लोग की खड़ी है, बाकी लोग आ रहे हैं काम कराने, पर न्यू परचेज़ हम लोगों की है, तो बढ़िया माला वाला चढ़ी तो एक नंबर लग रही थी देखने में। और ये वाले भैया को सारी एक्सेसरीज़ दे दी गई है, तो ये अपना फिट कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि अब टाइम हो रहा है 8:30 का, भूख लगी है बहुत ज़ोरदार, तो हम लोग जाएंगे सिवा मद्रासी डोसा, जो हम लोगों का फेवरेट पॉइंट बनता जा रहा है। भैया ने यहाँ खाया इडली, हम लोग ने खाया डोसा, और इडली डोसा खाने के बाद हम लोग ने यहाँ पी रोड पे थे, और वहीं पे था बाबा बलखंडेश्वर का मंदिर, तो बस मन में हुआ कि सोचा था शिव मंदिर जाएंगे तो आनंदेश्वर नहीं जा पाए, तो कोई बात नहीं, ये मंदिर है इस रूट में, तो हो सकता है कि शायद आने को हो, दर्शन मतलब भगवान देना चाहते हो। तो हम लोग आ गए हैं बलखंडेश्वर मंदिर, 9 बजे का टाइम है, और पता उस दिन एकादशी थी, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी,
श्रृंगार की तैयारी भी हो रही थी। हम लोग ने देखा साइड पे ना, वो जैसे भगवान जी के ऊपर बनाते ना माला बना के शिवलिंग के ऊपर, वैसा बना रहे थे वो। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, 9 o'clock का टाइम था और काफ़ी चहल पहल थी मंदिर में। तो ये हैं बाबा बलखंडेश्वर मंदिर। यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ, अगर वो ब्लॉग आपने नहीं देखा तो मैं साइड पर लगा दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। और मंदिर के जस्ट सामने बैठे थे, और यार कुछ भी कहो यार, मंदिर का वाइब्स ही अलग होती है, इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना सीताराम मंदिर में पूजा हुई है, तो वो आरती ले लीजिए आप लोग भी। और आप प्रसाद देने की बारी है अपनी बिल्डिंग के लोगों को, तो यस हम लोग जब पूजा में प्रसाद चढ़ाए थे ना, तो वही प्रसाद और बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं, क्योंकि नैन्सी ने कल बोला था कि बच्चों को कुछ रिटर्न गिफ्ट करेगी। तो हम लोग अभी तो जा नहीं पाए कहीं पे कि उसके लिए कुछ रिटर्न ले पाएँ, गिफ्ट मतलब गिफ्ट कुछ ले पाएँ। तो ये हुआ कि चॉकलेट तो सबकी फेवरेट होती है, तो चलो सबको चॉकलेट दे देते हैं और लड्डू दे देते हैं प्रसाद में। तो यस हमारी बिल्डिंग में यही होता है, कोई भी कोई चीज़ नया सामान लेता है या कोई गुड न्यूज़ होती है या कोई दर्शन करने जाता है, तो हम लोग ऐसे ही प्रसाद देते हैं, आपने काफ़ी बार देखा होगा। और यहाँ पवीना एक चॉकलेट उठा रही, लड्डू उठाए कि चॉकलेट उठाए, फिर उसने चॉकलेट चूज़ कर ली। फिर उन्होंने बोला नहीं ये पूरा तुम्हारा ही है, पूरा ले लो। और नैन्सी जा रही है अब और नीचे वाली आंटी के यहाँ देने और ऊपर वाली आंटी के यहाँ देने। के बाद सबसे पहले काम बिल्डिंग में सबको प्रसाद दे रहे हैं जो हम लोग दर्शन करके लाए थे, वो तो वही प्रसाद देंगे। तो खास साथ नैन्सी चॉकलेट भी दे रही है बच्चों को, क्योंकि कल छोटे बच्चों ने ना उसे गिफ्ट दिया था, मतलब सब बच्चों ने बिल्डिंग में गिफ्ट दिया था, जो भी मतलब दो भाई भी हैं दो बहनें भी हैं उन्होंने भी गिफ्ट दिया था। तो नैन्सी ने ना सबके लिए चॉकलेट रखा है कि चॉकलेट खाएंगे बच्चे, तो बस यही सब हो रहा है। और गाइस अभी बहुत सारा काम पड़ा है घर पे, क्योंकि हम लोग शाम को जल्दी चले गए थे, तो थोड़ा बहुत काम है वो करूँगी। तो मैं आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और मेरी गाड़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ कल के एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। बाय बाय।